हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिस्को टेक लाइव एंड सिस्को टेक। एंड इसमें आज कवर करेंगे बैटरी लोड टेस्टिंग। ओके, तो गाइस जो मेरे पास अभी बैटरी लोड टेस्टिंग के लिए यानी कि इमर्सन यूपीएस हो चाहे एपीसी यूपीएस हो आपके घर में ऑफिस में या आप किसी भी आपका टर्मिनल हो तो आपको कैसे बैटरी लोड टेस्टिंग करना है, अर्थिंग टेस्ट करना है, तो इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो मेरे पास अभी जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये वाला मास्टेक का, तो इसका वीडियो एक मैंने पहले भी बैटरी लोड टेस्टिंग का, अर्थिंग टेस्टिंग का बनाया था, तो आई बटन में मिल जाएगा आपको या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन तो आप देख सकते हैं। ये मेरे पास जो डिजिटल मल्टीमीटर है मास्टेक का है, मास्टेक डिजिटल मल्टीमीटर, और इसका जो मास 830L ये वाला डिजिटल मल्टीमीटर है। आप कोई भी मार्केट से ख़रीद सकते हो डिजिटल मल्टीमीटर, आपको कहीं भी इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन अमेज़न इंडिया से मैंने इसको मंगवाया था मेरे लिए, तो आप भी इसे बाय कर सकते हो। बाय करना है तो वीडियो के नीचे लिंक चेक कर लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा इस अमेज़न इंडिया पे। ठीक ठाक है मल्टीमीटर, एक एवरेज मल्टीमीटर है, ये साइंटिफिक मल्टीमीटर नहीं है जिससे कि आप उतना ये नहीं कर सकते इसमें। तो सबसे पहले आपको लोड टेस्टिंग या अर्थिंग टेस्टिंग के लिए आपको दो टाइप्स होते हैं इसमें। पहली बात तो अभी जो आपको ये बैटरियाँ दिख रही है, मेरे पास कुछ सीरियल और पैरेलल में बैटरियाँ रखी है। यहाँ पर देखो आप, जो वो बैटरियाँ रखी है वो आपको दिखेगी सीरियल पैरेलल में। दो टाइप का बैटरी रखी है जो कि 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो एपीसी यूपीएस हो चाहे इमर्सन यूपीएस हो, यहाँ पर जो बैटरी मेरे पास है कितना 12 वोल्ट का जो बैटरी है ना, 150 एज का ये मेरे पास यहाँ पर आपको बैटरी दिखा रहा है, ठीक है। क्वांटा का हो चाहे एनी वेज बैटरी है ना। तो बैटरी लोड टेस्टिंग से पहले जो आपके यूपीएस है उनको सबसे पहले एसी सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक एसी सप्लाई बंद नहीं करोगे तो आप कैसे समझोगे कि आपका बैटरी लोड टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 8 बैटरी है, 1, 2, 3 सीरियल और पैरेलल में जो कि लगी है। और यहाँ पर जैसे कि देखो क्वांटा का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, 150 एएच इसका कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो बैटरी है आपकी यूपीएस के थ्रू इनपुट आउटपुट वाया चार्ज होती है, तो लोड टेस्टिंग करने से पहले आपको एसी सप्लाई डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। किसका? आपके यूपीएस का। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपको यूपीएस दिख रहे हैं दोनों, ये यहाँ पर ये एपीसी का यूपीएस है ये वाला, और ये एमर्सन का यूपीएस है। तो आपके पास दो सोर्स हो गए, यानी कि सोर्स ए सोर्स बी, ठीक है, आपके ऑफिस में घर पे। और ये 3 KB के यूपीएस है यहाँ पर, तो ये काफ़ी हाई पावर जो कंज्यूम देते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बैकअप वाले यूपीएस होते हैं। लगभग 3 से 4 दिन इनका वन का टारगेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले एसी सप्लाई डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। आप तो यहाँ से भी एसी सप्लाई को डिसकनेक्ट करके बैटरी लोड टेस्ट कर सकते हो। कहाँ से करोगे? इस मल्टीमीटर से करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको अभी जैसे कि मैंने मल्टीमीटर ऑफ कर दिया है, ठीक है, मल्टीमीटर ऑफ कर दिया, अभी मैंने ऑन कर दिया। इस साइड में आपको एसी सप्लाई और इधर डीसी सप्लाई टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ऑफ किया और उसको 600 पर या 200 पर सेट कर देना है। जितना आपका आउटपुट है इनपुट, उसके हिसाब से इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन मल्टीमीटर को टेस्ट कर लेते हैं, मल्टीमीटर वर्किंग है कि नहीं। ठीक है, मल्टीमीटर वर्किंग है, ठीक है, मल्टीमीटर टेस्ट हो गया। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अपन चलते हैं पहले का डीसी सप्लाई पर, क्योंकि बैटरी एक डीसी है, ठीक है, तो अपने को डीसी पर इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको डीसी पर 20 पर अभी सेट कर दीजिए, बैटरी टेस्टिंग के लिए आपको 20 पर इसे सेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लोड टेस्टिंग या अर्थिंग टेस्टिंग से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ क्या कि इसको पहले पावर सप्लाई बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो टोटल लोड है एवरेज इसमें दिखाएगा। तो अभी चलते हैं पहले यूपीएस की तरफ। यूपीएस की तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें डिस्प्ले पे किस टाइप का आपको दिखाई देगा पावर सप्लाई, कैसे आपको इसमें डिसकनेक्ट करना है, ठीक है ना। चलो अभी चलते हैं एसी सप्लाई को बंद करने। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले अपन अर्थिंग और पूरी पावर चेक करेंगे। अभी ये जो मल्टीमीटर है आपको इसको 600 पर डाल देना है, ये ऑफ कंडीशन पे है अभी, ऑफ कंडीशन में, ठीक है। और ये थोड़ा आपको नाइट में लाइट वाइट की नीड पड़े तो इसको आप होल्ड करके थोड़ा इसको लाइट कर सकते हो,
तो ये वाला आपका जो है एसी इनपुट है, एसी का टर्मिनल इधर आएगा और ये डीसी साइड है इधर वाला, ठीक है। जैसे कि बैटरी वैटरी चेक करना हो तो आपको 220 इस टाइप से आपको इस इधर सेट करना पड़ेगा उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर आपको एसी करंट चेक कर रहे हैं तो आपको इसको 600 पर डाल देना, क्योंकि 6 तक ही है इसमें, क्योंकि ये जो मास्टेक का डिजिटल मल्टीमीटर है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक अपने पास बोर्ड है, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है जो कि आपके घर में ऑफिस में इस टाइप से आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको अर्थिंग टेस्ट और पावर चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल्स है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर देखो ये आपका न्यूट्रल है, ये फेस है और ये है आपकी अर्थिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप बना सकते हैं, ये न्यूट्रल है, फेस हो गया, ये अर्थिंग हो गया, ठीक है। और दिस इज़ चैनल माई URL, ठीक है। ओ सॉरी, अब चलते हैं मल्टीमीटर को। यहाँ पर आपका ये फेस है आपका और ये वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि ये, ठीक है। और ये आपको लगाना कैसे है, ये कॉमन पोर्ट होता है, ये वाला ब्लैक वायर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन पोर्ट है आपका, तो ये ब्लैक भी सेकेंड इसमें जाएगा। और ये वाला जो है आपका, ये आपका फेस हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं इसको कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको, ठीक है। तो पहले बटन ऑन कर देता हूँ, अब देखते हैं कितना वोल्ट अपना, कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वोल्ट में आ रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गया अपना फेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको कनेक्ट किया ऐसा, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आपको ऐसे सही लगाना है। अभी अपन डायरेक्ट पावर चेक करेंगे और इधर देखो 234 235 237 तक के जा रहा है, 235, यानी कि अपना जो इनपुट है, जो खंबे से, जो बैटरी से, जो ट्रांसफार्मर से जो लाइट आ रही है वो यानी ओके है, ठीक है। और इसको जो मल्टीमीटर को है आपको एसी में, एसी चेक करोगे तो एसी साइज सेट करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि उल्टा नहीं करना है। अब कि नहीं, अब ये हो गया यानी कि अपना सही है। अब आते अर्थिंग, बड़ा ही मैंडेटरी होता है कि आपके घर में इनपुट अर्थिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपका अर्थिंग आ रही है तो ये सेम टू सेम रहेगा, ये जैसे अभी अपन ने फेस में चेक किया था, फेस का फेस में रहने देना है और जो ब्लैक वायर है आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। ये देखो इस टाइप से हो गया, तो ये अर्थिंग भी देखो सेम टू सेम दिखाएगा 237। तो ये अपना अर्थिंग यानी कि प्रॉपर आ रही है, ओके है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल्स देखे उसके हिसाब से ये मुझे सही दिख रहा है, अभी 237 आ रहा है। अगर आप उसमें लाइट में लाइट लगा के भी इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं UPS की बैटरियों को टेस्ट करने के लिए, लोड कितना आ रहा है, ठीक है, कैसा क्या इसका प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा, पावर ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो पावर ऑफ करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ओके फ्रेंड। तो ये अपना जो है, ये डीबी बॉक्स है पूरा, ये थ्री फेज करंट है, ठीक है, 1 2 3, येलो ब्लैक ब्लू जैसे भी आप बोल सकते हो, ये थ्री फेज करंट है। तो थ्री फेज करंट में होता क्या है कि ये थ्री फेज लाइन होती है, ये घर की लाइन नहीं है, ये हाई पावर एक्सटेंशन सर्किट होते हैं। तो इसमें चाहो तो सबसे पहले आपको UPS को, जो जितने भी UPS है आपके पास, चाहे ABC का UPS हो चाहे इमर्सन का, तो आपको जो मेन लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है उसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा इसको नीचे सर्किट को, ठीक है। तो इसको अगर आप डिसकनेक्ट करोगे, इसको डिसकनेक्ट करोगे तभी तभी आपका बैटरी का प्रॉपर लोड टेस्ट कर पाओगे, चाहे APC UPS हो चाहे सॉरी इमर्सन UPS हो, ठीक है। तो आपके पास मेन पावर, आपके पास सिंगल UPS है घर में, ठीक है, तो आप उसको सीधा बटन से बंद कर सकते हो, ठीक है, आपके पास जैसा भी प्रोसेस हो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं UPS के पास, ए फ्रेंड है UPS अपने पास, ठीक है। UPS की ये दो UPS अपने पास, ए APC का 3KB का UPS है और ये भी 3KB का इमर्सन का UPS है। तो आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान भी रखना है, जैसे कि अभी अपन ने AC सप्लाई बंद कर दिया है तो पूरा लोड क्या है, सोर्स ए पर आ चुका है, यानी कि जिस इन दोनों का एक सर्किट का कॉम्बिनेशन करने के लिए इसका ATS, जैसे कि सर्वर में, नेटवर्क्स में, अलग अलग जैसा भी सिस्टम होता है वहाँ लगी होती है। तो सोर्स ए यानी कि अभी करंट जो पूरा सप्लाई है ये दे रहा है, अगर ये डाउन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ए ले लेता है। इसके लिए एक प्रॉपर
एपीसी की तरफ से एटीएस का एक सर्किट बॉक्स आता है, उसमें इसको कॉम्बिनेशन करते हैं सोर्स ए सोर्स बी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो है बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है कितना परसेंट चार्जिंग है, यहाँ पर बैटरी एसी इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितना परसेंट लोड है 25% है 100% लोड है, ऐसे ही डिस्प्ले वाले यूपीएस में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पर टोटल लोड दिखा रहा है, ठीक है, बैटरी लोड स्टेटस दिखा रहा है, टोटल जो आपका वो इनपुट आउटपुट है कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा आपको दिखा रहा है, यहाँ पर पूरा आउटपुट दिखाएगा कितना परसेंट बैटरी चार्जेस है, कितना लोड है टोटल आपका, यानी कि यूपीएस पर कितना लोड है, ज़्यादा है कम है, 25% है 50% है। तो अभी अपने पास क्या है, यहाँ पर देखो लगभग 30% लोड है यहाँ पर, क्योंकि सोर्स ए अपन ने एपीएस को दिया है। अब चलते हैं अपन बैटरी लोड टेस्टिंग की तरफ डिजिटल मल्टीमीटर के पास, ठीक है। अब मैं ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है मैं दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये अपना एपीसी की तरफ से एटीएस आता है, तो यहाँ पर सोर्स ए यानी कि आपका बैटरी का जो पहला आपका यूपीएस है उसका सोर्स ए इसमें आएगा, और सोर्स बी आपका इमर्सन या अदर कोई भी आपका यूपीएस को दे सकते हैं आप। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये इसको एटीएस बोलते हैं, एपीसी की तरफ से ही आता है। एटीएस का काम क्या है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच होता है, यानी कि अगर आपको एपीसी का लोड टेस्टिंग करना हो, आपको जो लगता है कि नहीं मुझे एपीसी पे नहीं इमर्सन पे यूपीएस चलाना है, पूरा लोड दूसरे यूपीएस पर देना है उसको टेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर बटन के थ्रू इसको स्विच करोगे तो आपका पूरा लोड शिफ्ट हो सकता है। इससे काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ है, पूरा परसेंटेज दिखाएगा किस यूपीएस पर कितना लोड है, यहाँ पर आपका इनपुट आउटपुट यानी कि दो आउटपुट दो यूपीएस को यहाँ पर सोर्स ए सोर्स बी, अगर आप चाहते हो कि आपने दोनों यूपीएस को ऑटोमेटिक कर दिया तो सोर्स ए पर डाल सकते हो, सोर्स ए डाउन हो जाएगा यानी कि बैटरी लो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सोर्स बी यानी कि इमर्सन के यूपीएस पर वो शिफ्ट हो जाएगा आपका बिना लाइन को डिस्कनेक्ट किए बंद किए ऑटोमेटिकली फटाक से। जैसे कि यहां पर देखो अभी इमर्सन पर लोड है अपना, सॉरी एपीसी पर है, आप अभी इमर्सन पर देते हैं, बटन को मैं शिफ्ट करता हूं 1 2 3 4, ये देखो शिफ्ट हो गया और बिन लाइन को बंद भी नहीं होने दिया, जो आपका सर्किट है आपका जो स्विच रूम है जो आपका सर्वर है उसको बंद भी नहीं होने देगा ये। तो ये ऐसा 24 आवर्स के लिए इसको बनाया जाता है। अगर आप चाहते हो दोनों पर लोड बराबर हो तो आपको एक बार इसको सेंट्रल स्विच को फेच करना है, तो ये आपका दोनों शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 50-50% लोड आ गया दोनों यूपीएस पर। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यूपीएस ए पर चलाना है यानी कि पूरा लोड, तो आप इसको सोर्स ए पर दे सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना सा था कुछ यूपीएस के बारे में, बैटरी लोड टेस्टिंग से पहले इतनी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैंने अर्थिंग टेस्ट बताया आपको, पावर मैनेजमेंट चेक बताया आपको कैसे करना है यूपीएस में, ठीक है ना। अब चलते हैं बैटरी लोड टेस्टिंग की तरफ। अभी पूरा लोड मैंने एपीसी यूपीएस पर दे रखा है, ठीक है, तो अपन एपीसी की बैटरी को चेक करेंगे कितना कितना उनमें वोल्टेज आ रहा है, कितना बैटरी काम कर रहा है, कितना ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए बैटरी के पास चलते हैं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको अब आगपन आ गया है डीसी पर, तो डीसी टेस्ट होगा, तो डीसी के लिए जो मल्टीमीटर को आपको लाना है 20 पर, ठीक है, ये अपन डीसी पर आ गए क्योंकि बैटरी डीसी वोल्टेज वाली होती है। अब आपको जो दोनों के टर्मिनल है इसको प्रॉपर बैटरी पे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो प्लस की ओर प्लस माइनस की ओर माइनस, ठीक है। अभी देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 सही दिखा रहा है, यानी कि अभी माइनस में क्यों दिखा रहा है, यानी गलत लगाए, यानी गलत लगा रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि फेस का फेस में लगा रहे हैं और न्यूट्रल का न्यूट्रल में लगाना है आपको, तो ये अपन आप सही लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया और ये जो हो गया आपका ये वाला, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ओके, तो ये हो गया कितना आ रहा है 12.44, यानी कि सही है, बैटरी वर्किंग है और 12 वोल्ट का पूरा प्रॉब इसका जो कैपेसिटी है वो दिखा रहा है। और इस बैटरी पर चलते आगे वाली पर, यहाँ भी सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, माइनस में दिखा रहा है यानी कि गलत लगा रहा है, तो ये आपका फेस हो गया ये वाला फेस और ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है ना, फेस और ये न्यूट्रल। अब 12.36 दिखा रहा है, 12.36 दिखा रहा है ना, और ये कितना दिखा रहा है ये देखते हैं, ये दिखा रहा है 12.45 दिखा रहा है, यानी कि थोड़ी करंट इसमें आउटपुट मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आ रहा है ना, इतना कैपेसिटी बैटरी 10 वोल्ट से या 9 वोल्ट से कम आती है तो आपका बैटरी आई थिंक
लो की कंडीशन में होता है उसको चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बराबर आपको जो पावर है वो नहीं देगी। ये कितना 1238 यानी कि बैटरी होके वर्किंग है, ठीक है, और जो इसका कैपेसिटी है भी काफ़ी है, ठीक है। अब चलते हैं जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, 12। अब जैसे कि किसी ने पूछा था कि 200 पे इसको सेट नहीं कर सके, दिखाएगा लेकिन वो फिर जैसे कि डीसी वोल्टेज है तो डीसी वोल्टेज में आपको फिर वो पॉइंट्स में नहीं दिखाएगा, 12.4 इस टाइप से ऐसा दिखाएगा वो, तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए कितना कैपेसिटी है उसका उस हिसाब से आपको मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार मैंने मेरा यूनिट नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया, तो अब इसको अपन यहाँ बटन दबा दोगे तो ये होल्ड पे हो जाएगा, ये देखो होल्ड हो गया, तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर सकते हो। ये जो आपका मास्टिक का UPS ये वाला, ये बटन आपकी होल्ड की है ना, ठीक है, ये बटन आपकी होल्ड की है, अपन ये रीडिंग नोट कर ली, उस टाइम इसको प्रेस कर दिया तो ये आपका रीडिंग होल्ड हो जाएगा, तो आप उसको बाद में भी नोट कर सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ से प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो गाइस ये था UPS का बैटरी टेस्टिंग में, मैंने 2-3 बैटरी आपको टेस्ट करके दिखाया कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। AC सप्लाई को बंद करने के बाद जिस UPS की बैटरी आप टेस्ट कर रहे हो उसका आपको लोड टेस्ट करना है, जब ही पता चलेगा ना आपको, अगर AC सप्लाई आएंगी तो अभी AC में ये 13 दिखा रहा था क्योंकि वो AC सप्लाई है, तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको जो सीरियल की जो बैटरियाँ होती हैं, ये वाली ये दिख रही होगी आपको, ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है 65, ये आपको जो दिख रहा है ये जैसे कि 150 का है, ये काफ़ी हाई पावरफुल बैटरियाँ होती है, तो ऐसे ही वो जो बैटरी आपको सामने दिख रही है वो 65 AH की होती है, ठीक है, और ये 150 AH की बैटरी है, यानी कि वो कैपेसिटी कम है उनका, लेकिन वो भी 12 वोल्ट का ही बैटरी है, लेकिन ये वाली ज़्यादा पावरफुल है, 150 AH है और वो 65 AH है आपको। तो बस फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, और भी आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो, फिर मैं मिलता हूँ किसी बेस्ट और टेक टॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ, सिस्को टेक एंड सिस्को टेक लाइव।